मेरे पड़ोस में ना नई फैमिली शिफ्ट हुई हरियाणा से, बिटिया रानी के करियर की खातिर। बिट्टू रानी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, रोज फोटोज खींच के यूं यूं हफ्ते हफ्ते घूमी है, चक्कर लगाए हैं। इजी थोड़ी है ये सब। फिर क्या, कोई बात नहीं बनी। सर्जरी करा ली उसने, हाँ यहाँ यहाँ यहाँ। फिर क्या, रोल मिल गया भाई उसको रियलिटी शो में। उसकी किस्मत तो देखो, रियलिटी शो में नोटिस हो गई। वैसे वैसे इतने क्लोजअप में ना कोई अंधा भी नोटिस कर लेता। नहीं, I want this girl in my next film. Ganguly ji. तो जब मैं 7 साल की थी ना, तब पहली बार पापा मुझे और मेरे भाई को 5-star होटल में डिनर कराने ले गए थे। जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुंचे, सत्या तो टेबल पे जाके बैठ गया, लेकिन मैं तो हर टेबल पे जाके सबसे बातें करने लग गई, और तो और नॉडी नॉडी से फेसेस बनाने लगी, मुस्कुरा रही थी, छूट मुट कर रो भी लिया मैंने तो। लोग भी मुझसे बात कर रहे थे, बताओ, यूं करके गाल खींच रहे थे मेरे। गांगुली जी ने भी मुझे पहली बार वही नोटिस किया। बस हो गई बात। I was so cute in that film. Sound of Music in Hindi, उसी में तो मैं लॉन्च हुई थी। फिर पिंकी इन तलाक तलाक तलाक, उसी में से एक डायलॉग है। अम्मी अम्मी मुझे अब आके घर जाना है। अम्मी अम्मी मुझे अब आके घर जाना है। वो भी क्या दिन थे यार। फिर क्या, फिल्म के बाद फिल्म करती रही और जिंदगी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। जब मैं 12 साल की थी ना, तब से लेकर आज तक पता है मुझे फिल्में कैसे मिली? सोच लो। नहीं नहीं, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे, वरना तो कितने लोग मरते दम तक स्ट्रगलर ही रह जाते हैं। कहाँ थी मैं? हाँ, तो जब मैं 12 साल की थी, तब एक प्रोड्यूसर ने मेरे पापा को इंस्टॉलमेंट देने से फिल्म का इंस्टॉलमेंट इनकार कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला, मैं फौरन पहुंची डायरेक्टर के पास। रंजीत सर, अब रंजीत जी भी जानते थे मेरे बिना फिल्म तो नहीं दिखने वाली। उन्होंने तुरंत फोन घुमाया, प्रोड्यूसर को बुलाया और कहा, मैडम का हिसाब चुकता कर दो। मैं तो बस देखती रही। फिर कहा, रुपया के बारे में सोचेगी तो क्या घंटा एक्सप्रेशन लाएगी? मैं तो बस देखती रही। उस दिन मैंने पापा को 10,000 रुपए दिलाए उस प्रोड्यूसर से। मैडम जी मैडम जी मैडम जी। और फिर क्या था, कमरे में ले गया। He took me to his fucking room.
मुझे कुछ इस तरह, बाप जुआरी भाई निकम्मा, माँ चल बसी। और मैं, मुझे ये सब करना पड़ा। But hey, no regrets, huh? No regrets.